स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो एंड वेलकम। सो आई एम मनीषा, योर एजुकेटर। सो एज यू नो कि हम एक इमेज से आपको पांच वर्ड सिखा रहे हैं, सो हियर वी आर बैक विद अनदर सेशन। और आज की जो इमेज है वो नेचुरल डिजास्टर पर बेस्ड है। आप न्यूज में भी कभी कभी देखते हो आर्टिकल्स, या आपको एग्जाम में भी कभी कभी ऐसा पैसेज मिल जाता है जहाँ पर आपको नेचुरल डिजास्टर के वोकैबुलरी से डील करना पड़ता है। तो आज पांच वर्ड सीखेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। इमेज आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी आप सबको। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो कि एवरीथिंग इज एक्चुअली, एवरीवन इज डेवास्टेटेड, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। बहुत ज्यादा आप कह सकते हो फ्लड के वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। यू कैन सी पीपल रनिंग हियर एंड देयर, पीपल इवैक्यूएट कर रहे हैं, वो एक जगह अपना जगह छोड़ के किसी सेफ जगह जा रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर शेल्टर, राइट। ऐसा ही होता है शेल्टर के लिए। आप देख सकते हो इतना सीरियस सिचुएशन है ये, राइट। सो ऐसे इसको देखते, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति में आप सब पूरी सिचुएशन को देख सकते हो इमेज के थ्रू। इतना कुछ, इतने प्रॉब्लम में फंस गए हैं सारे के सारे लोग, राइट। तो आज पांच वर्ड इधर से एक्सट्रैक्ट किए हैं, एंड जो पांच वर्ड एक्सट्रैक्ट किए हैं आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। नंबर वन इज हैपजर्ड, नंबर टू इज अपरूट, नंबर थ्री इज डायर, नंबर फोर इज इट्स अ फ्रेज। ये एक इडियम कह सकते हो, इट्स अ फ्रेज विच इज कॉट ऑफ गार्ड। और नंबर फाइव इज डिल्यूज, राइट। लेट्स स्टार्ट विद नंबर वन, हैपजर्ड। अगर आप देखो तो आपने इमेज में देखा अभी कि सब कुछ कितना इरेगुलर हो गया था, ठीक है। सब इधर उधर हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस हैपनिंग, जो मिसहैप हुआ है उसके वजह से सब कुछ इधर उधर हो गया। तो हैपजर्ड का मतलब होता है इरेगुलर। तो कुछ भी अगर गलती होती है तो चीजें इरेगुलर हो जाती है, केओटिक हो जाती है, केओस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो नंबर वन इज हैपजर्ड। हजार्ड से याद रखो, अगर कुछ हजार्डस हो रहा है, हजार्डस बोलते हैं हम, इट्स हजार्डस। अगर कुछ हजार्डस हो रहा है तो फिर आपके लिए वो हैपजर्ड है, इरेगुलर हो जाती है चीजें, ठीक है। फिर हमारे पास नंबर टू, दैट इज अपरूट। अपरूट मतलब जड़ों से निकाल रहे हो, इस तरह से याद कर लो। इमेज को दोबारा देखिए, आप देख रहे हैं इमेज को स्क्रीन पे। मैंने आपको पहले भी कहा कि लोग एक सेफ जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली मूविंग फ्रॉम देयर होम टू, या वो कह सकते हो, अब आप स्क्रीन में आपने देखा तो वहां क्या है, मूविंग फ्रॉम देयर होम, या फिर आप कह सकते हो कोई फैमिलियर जगह से, वो वहां से फैमिलियर प्लेस आई लाइक। तो अपने घर से दूर हो रहे हैं क्योंकि उन्हें शेल्टर चाहिए, दैट थिंग, उनका जो घर है, उनका जो रेसिडेंस जहां पे वो रह रहे थे, दैट इज बीन डिस्ट्रॉयड, राइट। वो बिकॉज ऑफ हैवो, क्या कहते हो आप डिस्ट्रक्शन को, हिवॉक, राइट। सो रेक हिवॉक, दैट इज टू कॉज हिवॉक। So, इस तरह की जो बात है, तो आप रूट, रूट जड़ से निकाला जा रहा है, मतलब वो अपने जड़ों से दूर जा रहे हैं, अपने घर से, अपनी फैमिलियर जगह से उन्हें दूर जाना पड़ रहा है, इवैक्यूएट हो रहे हैं, ठीक है। क्या कह सकते हो आप, इवैक्यूएट भी कह सकते हो। दिस वॉज द सेकेंड वर्ड हियर, दैट इज अपरूट। फिर देखिए डायर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबने देखा होगा यूज होता है डायर नीड, ये फ्रेज बहुत यूज होता है डायर नीड। डायर का स्टूडेंट्स मतलब होता है, डायर का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इंटेंस, समथिंग सीरियस। तो डायर का मतलब क्या हुआ, सीरियस और इंटेंस, सीरियस या फिर इंटेंस, वो है डायर, ओके। इसके बाद अब ये डायर जो वर्ड हमने देखा, मैंने आपको कहा था अगर कभी भी नेचुरल डिजास्टर होता है, whether it's flood, whether it's earthquake, any such thing, इससे क्या होता है, सिचुएशन बहुत ही सीरियस हो जाती है, इंटेंस हो जाती है, एंड दैट इज व्हाट डायर इज, ओके। डायर इमरजेंसी, ओके ओके। नाउ कॉट ऑफ गार्ड, अब देखते हैं इस फ्रेज का मतलब। आप सब कमेंट करके मुझे बताएंगे कॉट ऑफ गार्ड का क्या मतलब होता है। अगर आप में से किसी को पता है सेंटेंस फ्रेम करके बताओ, या फिर कमेंट करके मुझे मीनिंग बताओ। स्टूडेंट्स कॉट ऑफ गार्ड, इसका मतलब है
ऑफ गार्ड, ऑन गार्ड नहीं हो आप, ऑफ गार्ड हो और पकड़े गए, मतलब आपको किसी ने जकड़ लिया. तो कॉट ऑफ गार्ड इज कि किसी मुसीबत में फंस जाना, किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन में फंस जाना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू बी इन एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, या कोई एक इरेगुलर, एक आप हैपजर्ड का सिनोनिम कह सकते हो इसे. ठीक है, हैपजर्ड का सिनोनिम कह सकते हो, टू बी इन एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, टू बी इन एन इरेगुलर सिचुएशन, कोई चीज आप किसी बुरी स्थिति में फंस गए. ठीक है, दैट इज व्हाट कॉट ऑफ गार्ड इज. ठीक है, तो यहां पर जो आपने इमेज में लोगों को देखा, दे हैव बीन कॉट ऑफ गार्ड. ठीक है, जितने भी लोग आपने भी इमेज में देखे, दे हैव बीन कॉट ऑफ गार्ड. दिस इज द फोर्थ वर्ड. फिफ्थ वर्ड देखते हैं, डिल्यूज. नाउ डिल्यूज आप देख रहे हो, इमेज फिर से एक बार देखेंगे आप सब. इस इमेज में आप देख रहे हो कि पूरा पानी है, राइट, यू कैन सी वॉटर, और आप कैसे कवर्ड विद फ्लडेड वॉटर, द होल एरिया इज कवर्ड विद फ्लडेड वॉटर. ठीक है, तो डिल्यूज इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली अ सीवियर फ्लड, अ सीवियर फ्लड. डिल्यूज इज अ सीवियर फ्लड, जिसको आप अवॉश भी कहते हो, विच मीन्स कवर्ड विद फ्लडेड वॉटर. अवॉश क्या होता है, कवर्ड विद फ्लडेड वॉटर. तो ये फ्लड से रिलेटेड हो गया ये वर्ड, दैट इज डिल्यूज, बिकॉज यू कैन सी इमेज में पानी पानी के वजह से, बिकॉज ऑफ दैट फ्लडेड वॉटर ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, राइट. सो हियर इफ यू सी वर्ड्स टू नोट टुडे, पांच वर्ड्स जो आज के मैं क्विकली एक बार रिवाइज करा रही हूं आपको, हैपजर्ड विच इज इरेगुलर, अपरूट दैट इज अपने जगह को छोड़ के किसी दूसरे जगह जाना, सेफ जगह, डायर इज सीरियस, caught off guard is to be in किसी बुरी स्थिति में फंसना, irregular situation में, deluge का मतलब a severe flood. I hope कि आप ये vocabulary बहुत ही ध्यान से कर रहे हैं, sensibly अगर करोगे तो कोई problem नहीं आएगी, because हम filtered vocabulary choose करने को natural disaster से बहुत सारी vocabulary हो सकती थी, लेकिन हमने आपके साथ अपरूट, डायर यही वर्ड्स क्यों लिए. एक बार कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल में जाकर आप चेक करोगे, यू विल गेट टू नो. ठीक है, आई होप प्रीवियस वोकैबुलरी आप कर चुके हो, जो कि सक्सेस, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस पर बेस्ड था, गोल्स पर बेस्ड था, एक मोटिवेशन भी था प्लस वोकैबुलरी भी थी, राइट. तो ऐसे ही करते रहिए, हम आपके लिए नए सेशंस लेके आएंगे. डू नॉट फॉरगेट प्रीवियस सेशंस देखने के लिए. And if you actually find the sessions worthy, do not forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much. And you can actually drop your comments ki aapko session se aur kya chahiye, and we look forward to it. Thank you so much.